शांति वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू कितनी सुंदर सभा है और किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि एक सुकून की तलाश में एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियाँ पाल ली और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए हमने ज़िंदगी संभाल ली जिंदगी हमारी इसी प्रकार चलती रहती है और आज अगर हम सब अपने आप से पूछें अपने जीवन पर रिफ्लेक्ट करें केवल पाँच सेकंड के लिए अपने मन से पूछिए कि सब कुछ होते हुए भी आज इस सुंदर स्थल पर हमारा क्यों आना हुआ है क्यों आना हुआ है कोई धन दौलत कोई स्थूल चीज़ इकट्ठा करने तो हम नहीं आए हैं लेकिन जीवन में जो जो हमने खोया है क्या खोया है अपने मन की शांति प्यार सुख आनंद उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए आज हम यहाँ पर उसी की खोज मराते हैं है ना और मजे की बात यह है कि जिस चीज़ को हम खोजते हैं वो कहीं बाहर नहीं वो हमारे स्वयं के अंदर होती है तो आज की इस सुंदर यात्रा ये आपके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा होगी हम लोगों ने अनेक अनेक प्रकार की मेडिटेशंस के बारे में सुना हमने उनको एक्सपीरियंस भी किया मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा हम जगह जगह गए भगवान को हमने अलग अलग रूप से देवी देवताओं के रूप से हमने याद करने की कोशिश भी करी अपना पूरा प्रयत्न भी किया लेकिन सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जीवन में वो सुख और चैन हमको बार बार छोड़कर आगे भागता रहता है कुमारीज में जब हम आए तो हमें राजयोगा मेडिटेशन का इंट्रोडक्शन मिला लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसके पीछे साइंटिफिक बेसिस क्या है राजयोगा मेडिटेशन जो हम पिछले थर्टी सेवन ईयर्स से भी ज़्यादा फॉलो करते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है उसको कैसे आप एक व्यक्ति आम व्यक्ति अपनी जिंदगी में जीते हुए अपने पोजीशन अपने पावर को सबको छोड़ते हुए घर बार में रहते हुए जो हम चाहें जैसे हम चाहें जितना हम चाहें कैसे अचीव कर सकते हैं वो शक्ति किसके पास है उसके पीछे लॉजिक और साइंस क्या है आज उसके बारे में हम लोग बहुत सुंदर अवलोकन करेंगे उस यात्रा पर हम लोग चलेंगे दोस्तों एक बारे की बात है कि एक व्यक्ति था बहुत अच्छी तीरंदाजी करता था करते करते विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बना और जैसे वो बना तो उसे अपने ऊपर अभिमान आने लगा तो लोगों ने बोला कि भाई तुम्हें इतना अभिमान है तुम लोगों का मजाक उड़ाते हो तो ऐसा करो इस गांव के कोने में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है उसको हरा कर दिखाओ तब हम मानेंगे तुम सबसे नंबर वन हो श्रेष्ठ हो तो उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं मैंने तो बड़े बड़ों को धूल चटाई है ये तो मेरे लिए छोटा सा काम है और उसने उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को चैलेंज किया चैलेंज करके उनसे बोला कि मैं आपको हराना चाहता हूं इस प्रतियोगिता में मैं, मैं आपसे कंपीट करना चाहता हूं तो उसने कहा मुझे हरा कर क्या करोगे तो उसने कहा लोग कहते हैं कि जब आपको ही मैं पराजित कर लूंगा तभी मैं नंबर वन के तो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा कर उसको बड़े मैदान में ले आया कहा बेटा बताओ क्या करना है उस लड़के ने सामने मैदान पर एक निशाना साधा और तीर एक्यूरेटली लगाया दूसरा एक और तीर लिया और पुराने निशाने को भेजते हुए फिर एक्यूरेटली लगाया और मुस्कुराते हुए बोला कि आप ऐसा कर सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने कांपते हुए हाथों से दो तीर निकाले और एक के बाद एक छोड़े उससे आधे समय में करके उसने एक्यूरेटली वो करके दिखाया और बोला कि बेटा जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया लेकिन अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा तो उसने कहा मैं सब चीजों के लिए तैयार हूं गांव के कोने में दो बड़े बड़े पहाड़ थे हजारों फीट गहरी खाई थी वहां उसे ले गया एक पतली सी पगडंडी जा रही थी जो झूले की तरह हिल रही थी उस पर कोई पाँव रखे तो चक्कर आ जाए पसीना आ जाए और वही उस लड़के के साथ भी हुआ जैसे ही पाँव रखा वो झेलने लगा उसे लगा कि मैं गिरा कि गिरा लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी निश्चिंत स्थिति में रहते हुए आराम से आगे जाकर उस खाई के ऊपर बीच पर खड़ा हो गया तो लड़के ने कहा हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी ये आप क्या कर रहे हैं तो उसने कहा कोई बात नहीं बेटा तुम आओ मेरे पीछे बीच में आकर जब दोनों खड़े हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना तीर लिया और एक्यूरेट दो पहाड़ों के बीच में एक पेड़ पर पत्ती पर एक्यूरेट निशाना लगा दिया और कहा कि बेटा ये पहला चरण है ये करके दिखाओ लड़के ने अपने कांपते हुए हाथों से तीर निकाला तीर निकालकर निशाना साधने की कोशिश की माथे पर पसीना पोंछा और जैसे तैसे उसने तीर छोड़ा तो वो तीर उस निशाने के आसपास भी कहीं नहीं पहुंचा वो खाई में जाकर नीचे गिर गया लड़का को मालूम था कि वो हार चुका है आंखों में आंसू थी शर्म थी और वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर गया और दोस्तों चरणों में गिरकर उससे बोला कि मुझे क्षमा करिएगा मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था आप मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं असल में तो सर्वश्रेष्ठ आप हैं तो दोस्तों उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े प्यार से उसे, उसे उठाया और उठाकर उसे अपने गले लगाया और गले लगाकर उससे बोला कि बेटा तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ वो एन एरो लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है क्षमता देता है उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है इसीलिए जरा भी परिस्थिति विकट हुई और तुम्हारा निशाना चूक जाता है तो बेटा अगर तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो हर चीज में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को अपना मित्र बनाकर उसे संयम में रखो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जब मन हमारा कमजोर होता है चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो चाहे कितना भी बड़ा पंडित हो दोस्तों चाहे आप कितने भी ज्ञान को आत्मसात कर लें उसका फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब मन हमारा कमजोर है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है जब मन हमारा स्थिर है तो वही परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है लेकिन दोस्तों जब मन हमारा सशक्त है शक्तिशाली है तो वही परिस्थिति हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती है कुछ कर दिखाने का रूप ले लेती है इट्स ऑल गेम ऑफ अवर माइंड तो दोस्तों आज इसी यात्रा पर हम अपने मन की अद्भुत शक्तियों को पहचानेंगे आपकी जीत आपके सामने है आपका लक्ष्य आपके सामने आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं लेकिन केवल अपने मन को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा और आज कैसे ये करना है किस प्रकार से करना है जीवन के हर पहलू में आपका मन किस किस जगहों पर असर करता है दोस्तों इन सब बातों को हम बहुत सुंदर रूप से समझेंगे तो आइए चलते हैं इस मन की यात्रा पर आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज मानव जीवन बैलेंस खो चुका है संयम खो चुका है सवेरे लगता है बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सेट्रा धपता है और रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है व्यक्ति भाग रहा है दौड़ रहा है अलग अलग प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर रहा है दोस्तों लेकिन सब कुछ होते हुए भी ज्ञान होते हुए भी उसका स्वरूप बनना उसको अपने मन में अपने जीवन में धारण करना उससे आज हम कोसों दूर हैं उससे हम कोसों दूर हैं हम सुना देते हैं समझा देते हैं समझ भी लेते हैं लेकिन उसको जीवन में धारण करने से हम बहुत दूर हो जाते हैं आज बड़ी बड़ी बीमारियां वायरस हमारे जीवन में आए दोस्तों उन्होंने हमारे जीवन को असर किया लेकिन एक ऐसा वायरस जो हमारे संपूर्ण जीवन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुका है जानते हैं वो वायरस क्या है जानते हैं वो वायरस क्या है वो वायरस है दो शब्दों का वायरस दोस्तों लाइट्स को थोड़ा डिम कर देंगे स्टेज की वो वायरस है आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम पूरे दिन हर व्यक्ति जीवन में यही कहता रहता है बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है और दोस्तों साइंस ये बहुत सुंदर रूप से प्रूव कर चुकी है कि जो लोग स्वीकारते हैं मानते हैं कि वो लोग लाइफ में बिजी हैं उनके जीवन में तनाव ऑलमोस्ट 200 हंड्रेड टाइम सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है और उनकी परफॉर्मेंस फिफ्टी परसेंट डिक्रीज हो जाती है अब आप सोचिए पूरे दिन जब हम अपने मन की ट्यूनिंग को यह कर दे कि मैं बिजी हूं स्ट्रेसफुल हूं, टाइम नहीं है तो हम जितने भी ज्ञान को जितनी भी बातों को हम सुनेंगे वो हमारे जीवन में असर ही नहीं करेंगे तो आज की इस यात्रा में सबसे पहले हम सब एक एक्सरसाइज करेंगे सभी तैयार हैं आगे और पीछे बताइए बोलेंगे मेरे साथ साथ यस हाँ सभी बोलेंगे बहुत सुंदर यात्रा है ये शब्द आप मेरे पीछे बोलिए आज के बाद मैं अपनी लाइफ में बिजी नहीं हूं लेकिन मैं अपनी लाइफ में बी इजी हूं देखो कितना सुंदर है हम हाँ, बिजी शब्द के अंदर ही एक और सुंदर शब्द छुपा हुआ है वो क्या है बी इजी बिजी आउटसाइड लेकिन बी इजी इनसाइड। दोस्तों ये केवल मनोस्थिति की बात है मनोस्थिति की बात है भक्ति भक्ति जिंदगी के अंदर जहां जीवन में इतना समान इकट्ठा किया है हम केवल यहाँ पर आपसे एक पूछते हैं कि जितना समान इकट्ठा किया है उतना हमने सुकून को भी इकट्ठा किया है उस सुकून को भी जीवन के अंदर उस चैन उस आनंद उस सुख और शांति को भी अपने जीवन में इकट्ठा करना दोस्तों बहुत बहुत आवश्यक है पूछिए अपने आप से सब कुछ होते हुए भी क्या आज मैं खुश हूं क्या आज मेरे जीवन के अंदर वो आनंद वो प्योरिटी वो प्यार उसको मैंने अपने जीवन में इकट्ठा किया है आज उसी की खोज में आज उसी को द्वारा प्राप्त करने के लिए हम अपनी मन की शक्तियों को दोस्तों हम समझा देंगे और इसका केवल एक तरीका है वो अपने अंदर अपने संकल्पों अपने जीवन में दोस्तों बैलेंस को लाना बैलेंस को लाना और ये परिवर्तन दोस्तों कहीं बाहर नहीं आएगा इस परिवर्तन को केवल हमें अपने ही जीवन में लाना पड़ेगा एक बारी एक महात्मा था वो महात्मा बहुत अच्छी तपस्या और मेडिटेशन कराता था लेकिन मेडिटेशन कराते कराते दिन में एक या दो बारी वो बार बार शीशे को देख लेता था एक बारी देखेगा दो बारी देखेगा फिर रख देगा फिर थोड़ी देर बाद उठाएगा दो बारी शीशे को देखेगा और फिर रख देगा तो लोग परेशान हो जाते थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं ऐसे ही कुछ लोग उस महात्मा के पास पहुंचे और बोले कि ये को समझ में नहीं आता आप में कोई समस्या आती है तो मैं शीशे को पहली बार देखता हूँ तो लोगों ने पूछा आपको क्या दिखता है तो उसने कहा कि इस शीशे के अंदर मुझे अपने जीवन की समस्याओं का सारा कारण दिख जाता है तो लोग हंसने लगे कहते हैं अरे इस शीशे में तो आपको अपनी ही शक्ल दिखाई देती होगी तो उसने कहा तुम बिल्कुल का का तो बात तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं महात्मा जी पर आप यह बताइए आप दूसरी बारी क्यों देखते हैं तो वो हंसने लगा उसने कहा जब मैं दूसरी बारी देखता हूं तो मुझे सारे जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन किसके पास है वो दिखाई देता है तो वो फिर हंसने लगे कहते हैं आपको अपनी शक्ल दिखाई देती होगी तो उसने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हो अगर मेरे जीवन की समस्याओं का कारण मैं हूं तो उसका सॉल्यूशन किसके पास है हमारे पास है दोस्तों वी हैव टू डू इट सुनने से नहीं होगा केवल मन में संकल्प करके यदि आज ही एक संकल्प लेंगे एक मिनट के अंदर आप अपनी लाइफ को संपूर्ण रूप से दोस्तों परिवर्तन कर सकते हैं इसीलिए जिस परिवर्तन को आप बाहर देखना चाहते हैं चेंज को बाहर देखना चाहते हैं उस परिवर्तन को आपको अपने जीवन में स्वयं धारण करना पड़ेगा इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ दोस्तों हम लोग सालों सालों लेक्चर सुनते आए हैं यूट्यूब पे सुनेंगे भाषण सुनेंगे अलग अलग सेक्स के सुनेंगे सब लोगों की बातें सुनेंगे और हम कहेंगे बहुत अच्छा बोलते हैं परिवर्तन कहां है? केवल एक बात यदि मैं अपने मन को बिठा लेता हूं उसको डाइजेस्ट कर लेता हूं और अपने मन को संकल्प देता हूं कि मुझे चेंज होना है मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है दोस्तों दैट्स द वे दैट्स द डे कि आपकी लाइफ संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है यू स्टार्ट डिजाइनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग योर ओन डेस्टिनी यही आज हमारे जीवन का दोस्तों सत्य है तो चलिए आरंभ करते हैं हमारे जीवन की इस अद्भुत यात्रा को बताइए आप में से कौन कौन मानते हैं कि आपके विचारों का आपके जीवन पर असर पड़ता है हाथ उठाइए तो आप सब लोग मानते हैं आप सब लोग ये मानते हैं कि आपके विचारों का आपके जीवन पर असर पड़ता है तो मेरा प्रश्न है कि आप में से कौन कौन रोज उठकर अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करता है यदि आप जानते हैं कि आपके विचारों का आपके भविष्य पर असर पड़ता है दैट मीन्स हम अपने भविष्य को स्वयं क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों सोचने समझने और करने में यही अंतर हमारे जीवन की मनोस्थिति को हमारे जीवन की स्थिति को खुशी को हमसे कहीं ना कहीं दोस्तों दूर ले जाता है आज एक मानव मन एक दिन के अंदर फिफ्टी टू सेवेंटी थाउजेंड विचार उत्पन्न करता है आपके मन की फैक्ट्री पचास से सत्तर हजार विचार उत्पन्न करती है और दोस्तों उन पचास हजार विचारों में से नाइन्टी टू नाइन फाइव परसेंट जो हमारे विचार हैं जो आपकी सोच है वो साइंस कहती है नकारात्मक वेस्ट नेगेटिव रिपीटेटिव और यूजलेस होती है बार बार वही विचार आते हैं नेगेटिव आते हैं वेस्ट आते हैं और यूजलेस विचार आते हैं आप सोचिए कि अगर पचास हजार विचारों में से नाइन फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड विचार हमारे नकारात्मक नेगेटिव और वेस्ट हैं तो हमारी लाइफ की क्वालिटी किस प्रकार की होगी एक फैक्ट्री जिसके प्रोडक्ट्स यूजलेस हैं 95% यूजर्स हैं तो दोस्तों वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी हो ही नहीं सकती अच्छी और यही शो करता है हमारी क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ इन 50 95% विचारों को अगर हम देखें तो हमारा विचार हमारे जीवन में हमको व्यवहार देता है आप देखिए ना यदि आपका विचार पॉजिटिव है आपका मूड बहुत अच्छा है थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आपका व्यवहार कैसा होगा अच्छा होगा या नेगेटिव होगा बहुत अच्छा होगा आपका मूड बहुत अच्छा होगा आपका व्यवहार भी बहुत बढ़िया होगा और जब आपका व्यवहार पॉजिटिव है तो आपकी फीलिंग्स आपकी भावनाएं भी दोस्तों बहुत पॉजिटिव होंगी आपके रिएक्शन आपका जीवन भी सकारात्मक होगा लेकिन अगर आपके जीवन में विचार नकारात्मक हैं तो आपका व्यवहार भी नकारात्मक नेगेटिव होगा आपके जीवन के अंदर जो फीलिंग्स भी होंगी वो भी नेगेटिव और नकारात्मक होंगी दैट इज वाई एवरी थॉट दैट यू आर क्रिएटिंग एक एक विचार जो आप अपने जीवन में क्रिएट करते हैं दोस्तों वो विचार आपका भविष्य बनाता है आपकी महसूसता को डिटरमिन करता है वही आपकी डेस्टिनी को डिटरमिन करता है तो यानी एक बात बड़ी क्लियर होती है कि सारा जेनेसिस हमारी लाइफ का कहां से हो रहा है हमारे कहां से हो रहा है हमारे विचारों से हो रहा है अब पहला प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे कि ठीक है डॉक्टर मोहित हम सब मानते हैं कि हमको विचारों को परिवर्तन करना है लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे विचार तो मेरे तक ही हैं। अगर मैंने हम किसी को बोलते हैं ना आपने अपनी ये बात उसको बताई तो नहीं तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने केवल सोचा ही था मैंने उसको कुछ नहीं बोला है इसका अर्थ है आप सोचते हैं कि जो आपने सोचा है वो आपके मन में ही रहा वो बाहर नहीं गया साइंस इसके बारे में क्या कहती है दोस्तों देखिए क्या हमारे विचार हमारे ब्रेन के अंदर ही रहते हैं आज साइंस मैग्नेटो एंड की इस मशीन के द्वारा जो आपके ब्रेन को टच नहीं करती है केवल बाहर से आपके ब्रेन के पैटर्न को इमेज करती है और कंप्लीट ब्रेन का मैप बना देती है वो शो करती है कि आपके विचार आपके केवल मन में नहीं रहते ब्रेन में नहीं रहते वो बाहर पावरफुल तरीके से दोस्तों रेडिएट करते हैं एनवाइट में रेडिएट करते हैं दूसरा प्रश्न आएगा यदि मेरे विचार मेरे मन में नहीं रहकर बाहर रेडिएट कर रहे हैं और साइंस की मशीन इनको कैच कर सकती हैं तो वो विचार कहां कहां पर असर करेंगे वेयर आवर थॉट्स विल वर्क दोस्तों हमारे विचार सबसे पहले हमारे स्वयं के जीवन को हमारे शरीर हमारी जीन्स हमारे मन को असर डालते हैं उसके बाद हमारे विचार हमारे रिलेशंस पर भी पावरफुल असर डालते हैं हमारे आपस के संबंध किस प्रकार के हैं और इसके बाद दोस्तों हमारे विचार हमारे जीवन में हमारे नेचर हमारे एटमोस्फियर हमारे भोजन प्रकृति और पानी पर भी गहरा असर डालते हैं और इन सब बातों को एक एक बातों को मैं साइंटिफिकली एग्जाम्पल्स के साथ अपनी लाइफ के और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ दोस्तों आज आपके सामने रखूंगा आपका मन आनंदित हो जाएगा और आप समझेंगे कि कितनी अभूतपूर्व शक्ति आज आपके पास है जिसके द्वारा आप स्वयं अपने भविष्य का दोस्तों निर्माण कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे विचार हमारी जींस पर भी असर डालते हैं जो हमारी बॉडी का बिल्डअप है हमारी बॉडी के क्रोमोजोम्स हैं उस पर असर डालते हैं या जो जीन्स हमको विरासत में अपने माँ बाप से मिलती हैं वही जीन्स हमारी डेस्टिनी है दोस्तों इस ब्यूटीफुल साइंस को कहा जाता है एपिजेनेटिक्स यदि आज मेरी परिवार में किसी को हार्ट अटैक है किसी को कैंसर है किसी को ब्रेन की बीमारी है तो क्या साइंस ये कहती है कि मेरी जीन्स के अंदर वो बीमारी है तो वो बीमारी मुझे भी जरूर होगी और यदि उसका उत्तर हाँ है तो यह चिंता का विषय है अर्थात मेरी जींस तो सेट है मुझे परिवार से विरासत में मिली और वो बीमारी मुझ तक जरूर आएगी लेकिन दोस्तों आज इसको हम लोग एग्जामिन करेंगे देखिए इस साइंस को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है जिसके द्वारा हम ऐसे स्टडीज को देखते हैं ऐसे फैक्टर्स को देखते हैं जो हमारे अंदर बॉडी के बिल्डअप को हमारी जीन्स को वो किस तरह अफेक्ट करते हैं और आज जिस फैक्टर को मैं आपके सामने हाईलाइट करने जा रहा हूं वो है राजयोगा और मेडिटेशन मेडिटेशन के विभिन्न विभिन्न प्रकार देखिए दोस्तों बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट डॉक्टर डीन ऑरेश ने किया था प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स पर अब ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या किया उन्होंने 30 प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को लिया जो लोग नॉर्मल एलोपैथिक इलाज नहीं करा रहे थे या उनका इलाज प्रैक्टिकली फेल हो चुका था उन लोगों को उन्होंने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन सिखाया दोस्तों कैंसर कॉजिंग जीन थी वो कैंसर कॉजिंग जीन वो डाउन रेगुलेट होके स्विच ऑफ हो गई और जो उनकी हेल्दी जीन थी प्रोटीन बिल्डिंग जीन थी वो ओवर एक्सप्रेस करने लगी यानी हेल्दी जीन ओवर एक्सप्रेस करने लगी जब उन्होंने फर्दर एनालिसिस किया तो उन्होंने पाया कि 500 जीन्स का भी एक्सप्रेशन बॉडी में चेंज हुआ और जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स बॉडी के अंदर थी वो सब धीरे-धीरे डाउन रेगुलेट होती चली गई ये पहली स्टडी थी जिसने दिखाया कि केवल मेडिटेशन और अपने जीवन शैली को बदलने के द्वारा हम अपनी कैंसर जैसी भी भयानक जीन्स को स्विच ऑफ कर सकते हैं दोस्तों इसी पर हमने अपने हॉस्पिटल में बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स कैरी करने आरंभ किए मैं जनरली हार्ट अटैक के पेशेंट्स को ऑपरेट करता हूं एक हफ्ते के अंदर टिपिकली मैं 100 से 150 केस ऑपरेट करता हूं और उसके अंदर करीब 22 टू परसेंट जो मेरे मरीज होते हैं वो केवल 18 से 35 साल की उम्र के होते हैं तो मेरे मन में यही आता था कि आज से पहले इतनी यंग एज के मरीज नहीं आते थे आज ऐसी क्या खास बात है जो हार्ट अटैक यंग लोगों में बढ़ता चला जा रहा है इसी को हमने स्टडी करना दोस्तों आरंभ किया और हमने उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को आरंभ किया और क्या स्टडी किया ध्यान से समझिए देखिए ये जो क्रोमोजोम है इसके ऊपर आपको एक हरी कैप दिखाई दे रही है जो कि एक टोपी की तरह काम करती है दोस्तों ये टोपी क्या है ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है जैसे शूलेस है शूलेस के ऊपर भी एक टोपी होती है इसी तरह हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी टोपी होती है जो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है और बीमारी होने से रोकती है लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है यह टोपी कमजोर होती जाती है इसी कारण उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती जाती हैं सबको क्लियर हुआ यस और नो बिल्कुल क्लियर हुआ वेरी गुड परफेक्ट अब हमने इस टोपी को मेजर करना उन यंग बच्चों में आरंभ किया देखिए हमने 18 से 30 साल के हार्ट अटैक के बच्चों को लिया उनके तनाव को हमने मेजर किया घर का तनाव वर्क का तनाव और जनरल तनाव को मेजर किया और साथ में हमने उनकी जेनेटिक लेंथ को यानी उस टेलोमियर लेंथ को भी हमने मेजर किया दोस्तों रिजल्ट्स क्या थे ध्यान से सुनिए रिजल्ट्स ये थे कि जब हमने पाया उन बच्चों की शारीरिक उम्र तो 18 से 30 साल थी 18 से 30 और 35 वर्ष थी लेकिन उनकी जेनेटिक लेंथ उनकी जीन की लेंथ हमने जब पाई वो थी सिक्सटी टू एट्टी फाइव ईयर्स यानी वो एक्चुअली दिखने वाले 18 से 35 साल के थे लेकिन उनका अंदर का बॉडी मेकअप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था और उनकी जेनेटिक लाइन देखिए लाल रंग के अंदर दिखा रहा है कितनी सिग्निफिकेंटली कम है वो सिक्सटी टू एट्टी फाइव ईयर्स के बुजुर्ग व्यक्ति के बराबर थी फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है ना वो स्मोकिंग करते हैं ना फैमिली हिस्ट्री है ना डायबिटिक हमने दोस्तों उनका तनाव मेजर किया था जब हमने देखा तो हमने पाया तनाव और स्ट्रेस उनके जीवन के अंदर मैक्सिमम लेवल्स पर था हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोसोशल स्ट्रेस उन यंग बच्चों के अंदर था हमने जब फर्दर एग्जामिन किया तो हमने देखा कि जिन लोगों के अंदर लैक ऑफ पर्पज है जिन लोगों के अंदर प्यार की कमी है जिनके अंदर पॉजिटिव आउटलुक नहीं है उन लोगों के अंदर एंजाइम कम हो जाता है और उनकी टेलोमियर लेंथ जो है वो सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती है लेकिन दोस्तों वो लोग जो अपने जीवन में खुश रहते हैं पॉजिटिव आउटलुक है ग्रेटिट्यूड की भावना है अच्छा न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज करते हैं संबंध अच्छे हैं दोस्तों उनकी टेलोमरेज एंजाइम जो है वो पॉजिटिव रहता है और उनकी टेलोमियर लेंथ वो बढ़ती चली जाती है दोस्तों ये शो करता है कि आज हम अपने मन की शक्ति के द्वारा अपने पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा अपने लाइफस्टाइल के द्वारा अपनी सोच के द्वारा अपनी जीन्स पर असर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? आप बताइए डाल सकते हैं वी हैव दावर आप अपनी जिंदगी की अपनी खुशी की जीन्स को अपनी पॉजिटिव जीन्स को अपनी हेल्दी जीन्स को दोस्तों अपने विचारों के द्वारा कंप्लीटली स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं और हम क्या करते हैं हम बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट रहते हैं हम बाहर की चीजों को अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं दोस्तों डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर हार्वर्ड के बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं इन्होंने बहुत सुंदर स्टडी की जिसमें उन्होंने 400 बच्चों को लिया और 75 साल तक उन बच्चों को फॉलो किया और वो देखा एक सिंगल फैक्टर जो उनके सक्सेस और उनके जीवन के लिए निर्धारण जो उनके लिए निर्धारित करता है कि ये लोग सक्सेसफुल भी रहेंगे खुश भी रहेंगे और इनको सब कुछ मिलेगा दोस्तों केवल एक तरीका एक फैक्टर था वो था गुड एंड हैप्पी रिलेशन हमारे संबंध स्वयं के साथ परिवार के साथ हमारे मित्रों के साथ किस प्रकार की हमारी पॉजिटिव भावनाएं हैं दोस्तों यही डिटरमिन करते हैं कि हमारा लाइफ किस प्रकार से क्रिएट होगा तो आज हम सबको यह समझना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में जो खुशी है दोस्तों वो डेस्टिनेशन नहीं है हर पल जिंदगी की खुशी को हमने अनुभव करना है अपनी जिंदगी में साथ बैठकर आनंद का अनुभव करना है दोस्तों वी हैव द पावर टू रेगुलेट अवर जीन्स हेंस फर्स्ट फैक्ट आज प्रूव होता है कि मेडिटेशन के द्वारा योग की शक्ति के द्वारा अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा हम अपनी बॉडी की अपनी जेनेटिक संरचना को भी जो हमारी बॉडी के को डिटरमिन करता है हमारी लाइफ स्टाइल को डिटरमिन करता है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं वी हैव द पावर टू डू दिस दिस इज वॉट साइंस इज बिहाइंड राजयोगा मेडिटेशन केवल ऐसा ही नहीं कि आप यहां पर आए और आत्मा परमात्मा समझकर आप योग लगा रहे हैं या आपने सुना कि भाई हमें खुश रहना बदल जाएंगी आप इसके पीछे एविडेंस को समझ जाएंगे तब आप इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में दोस्तों अपना पाएंगे आप उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको अनुभव कर पाएंगे तो टुडे We don't have a fixed DNA makeup. Our DNA isn't our destiny. लेकिन हम अपने संकल्पों के द्वारा अपने DNA को दोस्तों change कर सकते हैं दूसरा fact जो आज हमारे सामने आता है जो प्रश्न लॉजिकली आता है कि ठीक है डॉक्टर मोहित हमने अपने विचारों के द्वारा अपनी जेनेटिक संरचना को चेंज किया बर क्या, हम अपने विचारों के द्वारा अपने शरीर को भी चेंज कर सकते हैं कैन बी चेंज अवर बॉडी जस्ट बाय अवर थॉट

इस ग्रुप को उन्होंने पियानो के आगे बिठाया, आप लोगों को हाथ के द्वारा पियानो प्ले करना सिखाया और दो हफ्ते तक आपको ट्रेन करते रहे कि पियानो किस तरह प्ले करना है। आप लोग सीख रहे थे और आप लोग इंप्रूव भी कर रहे थे आप लोगों के साथ उन्होंने क्या किया आप लोगों को उन्होंने केवल पियानो की पिक्चर दिखाई आपको केवल इमेजिन करवाया कि पियानो इस तरीके से प्ले किया जाता है आपको वीडियो दिखाया लेकिन आपसे पियानो एक्चुअली प्ले नहीं कराया तो आप लोग प्ले कर रहे थे और आप लोग केवल इमेजिन कर रहे थे कि आप लोग प्ले कर रहे हो दो हफ्ते तक उन्होंने एक्सरसाइज रेगुलरली कराई। उसके बाद एम एमआर की यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आप लोगों के ब्रेन की, की। यह देखने के लिए कि जो ब्रेन का वो एरिया जो पियानो प्लेइंग फिंगर्स को कंट्रोल करता है उस पर इसका क्या असर पड़ता है दोस्तों देखिए रिजल्ट क्या था जब उन्होंने ब्रेन को इमेज किया मेंटल प्रैक्टिस यानी जो लोग सोच रहे थे और जो लोग एक्चुअली कर रहे थे दोनों के अंदर सिमिलर ब्रेन के चेंजेस पाए गए सिमिलर ब्रेन के चेंजेस पाए गए आपका तो अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप लोग एक्चुअली प्ले कर रहे थे लेकिन आप लोग तो केवल सोच रहे थे सोचने के ही द्वारा आपने अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर दिया दोस्तों दिस इज पावर ऑफ थिंकिंग अगर हमें अपने बॉडी को चेंज करना है अपने शरीर की संरचना को चेंज करना है दोस्तों तो करने से भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है केवल सोचना इंपॉर्टेंट है आज के बाद जब हम लोग बोलते हैं मैं तो बीमार हूं मैं तो बीमार ही रहता हूँ तबीयत ठीक नहीं रहती है मेरे को लगता नहीं कमजोरी रहती है मुझे नहीं लगता मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा मुझे तो फेल होने की आदत सी पड़ गई है मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं ये तो करते ही ऐसा हैं दोस्तों एक एक शब्द प्रोग्रामिंग अंदर क्रिएट कर रहा है आपका एक एक शब्द अंदर प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रहा है और आपका ब्रेन तथास्तु 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 करके यस मैं स्वीकारता हूं क्योंकि ब्रेन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता जो आप उसे बोलेंगे वो जी करके उसको एक्सेप्ट करेगा और अंदर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर नया डाल देगा या वायर कनेक्शन डाल देगा जैसे बिजली वाला आता है ना वो कहेगा आपको यहां से यहां तार चाहिए ओके okay, मैं इसको डाल देता हूं और जितना आप उसको बार बार करते जाएंगे वो हार्ड वायर होता जाएगा दैट इज वाई आज साइंस कहती है अवर ब्रेन कैन बी रीवायर्ड दिस इज वॉट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी बार बार जो चीज आप सोचेंगे दोस्तों वो होती चली जाएगी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमने सुना हमें बहुत अच्छा लगा हमें बहुत अच्छा लगता है आपको के इनको के इनको के लेकिन क्या करें मेरी तो आदत ऐसी है मैं तो चेंज ही नहीं कर पाता हूं दोस्तों आज के बाद ये शब्द नहीं निकालना है अपनी शब्दों की वोकैबलरी को हमें चेंज करना है कभी भी पेसिमिस्टिक बातें नेगेटिव बातें अपने लिए भी अपने परिवार वालों के लिए भी अपने मित्र संबंधियों के लिए भी कभी भी नहीं निकालने देखिए डॉक्टर एरिक कैंडल जिनको नोबेल प्राइज 2001 में मिला था उनको क्यों मिला था क्योंकि उन्होंने यही कहा था नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर जिस बात को आप बार बार फायर करते जाएंगे सोचते जाएंगे ये देखिए इसका जेनेसिस होता है और ग्रेजुअली ये होता जाता है और जिस चीज को आप यूज नहीं करते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता चला जाता है उसकी प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन से दोस्तों समाप्त होती जाती है इसीलिए इट टेक्स थ्री डे थ्री वीक्स टू थ्री मंथ्स टू फॉर्म अ न्यू हैबिट जो भी चीज आप जीवन में देखना चाहते हैं आप अपनी लाइफ को जिस भी प्रकार से देखना चाहते हैं यहां पे सब लोग बैठे हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ड्रीम रखता है एक इच्छा रखता है एक अपने लिए विजन बनाता है जिस भी विजन को आप देखना चाहते हैं उस विजन को अपने विजन बोर्ड पर सामने लिख दीजिए मैं अपने आप को इस प्रकार से देखता हूं मुझे अपनी लाइफ में यह चीज चाहिए रोज उस चीज को स्मृति में लाइए कंटिन्यूसली लाइए उसको रीप्रोग्राम करिए एंड विद इन ट्वेंटी मंथ्स आप देखेंगे नेचर एंड कंप्लीट इट विल ऑटोमेटिकली हैपनिंग इन योर लाइफ करेंगे वो ऑटोमैटिकली आई वॉज नाइनटी सिक्स के जीज तो उस समय मेरे को डायबिटीज बॉडर लाइन थाइड हाइपरटेंशन और लिवर के अंदर फैटी लिवर था तो दोस्तों कोशिश करता था कभी इतना ज्यादा में नहीं लेकिन किसी ने मजाक में बोल दिया कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए तो 2001 की बात थी और 16 जुलाई का वो दिन था मुझे अभी भी ध्यान है मुझे बुरा नहीं लगा लेकिन वो बात मुझे अंदर कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल तरीके से स्ट्राइक करी दोस्तों और आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों ये मेरी पिक्चर्स हैं उस समय की टू की जो डिजनीलैंड ऑरलैंडो के बाहर ये पिक्चर्स हैं आप देख रहे हैं मेरा जो प्रैक्टिकल प्रोफाइल है काफी ओबीस था उस समय नाइनटी सिक्स था तो मैंने उसी दिन से अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया आज दिन तक मैंने जिम और कभी भी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया लेकिन क्वालिटी एक्सरसाइजेज एंड क्वालिटी डाइट को मैंने चेंज किया डेली मैंने उस चीज़ को लगातार किया अपने सामने विजन रखा कि मुझे अपने आप को पर्सनल और प्रॉपर हेल्थ देनी है आई हैव टू अचीव दिस इन अ टाइम बाउंड मैनर और दोस्तों उस 18 जुलाई से लेकर 9 फरवरी तक 2001 जब मेरा डीएम कार्डियोलॉजी का एंट्रेंस था मैंने कंप्लीटली अपनी एक न्यू पर्सनैलिटी को पाया आई लॉस्ट ट्वेंटी थ्री के जीज एट दैट टाइम और दोस्तों उस ट्वेंटी थ्री के जीज को लूज करने के बाद आज भी करीब इक्कीस साल बाद भी आज मैं अपने शेड्यूल को डेली मेंटेन करता हूं प्रॉपर लाइफ स्टाइल एक्सरसाइज और वॉकिंग के साथ तो अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग को अपनी दृढ़ता से अंदर बना लेते हैं आपकी लाइफ आपके सामने वो चीज लाकर प्लेट पर सर्व कर देती है यू हैव दी टू डू दिस नो बडी एल्स इज गोइंग टू डू दिस केवल सुनने से नहीं होगा मैंने सुन लिया मैंने ये कर लिया नहीं आज अभी मैं बहुत सुंदर बात सुन रहा था जो शिष्य सुना रही थी कि हम लोग पहले इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात कर रहे थे बिल्कुल परफेक्ट उसके बाद इमोशनल क्वेश्चन यानी इमोशंस हमारे किस प्रकार से चलते हैं हमारी लाइफ को डिटर्मिन करते हैं दोस्तों टू के अंदर नई चीज आई वो आई स्पिरिचुअल क्वेश्चन स्पिरिचुअल क्वेश्चन अर्थात जो इमोशनल क्वेश्चन को भी डिटर्मिन करता है लेकिन इन तीनों से भी ऊपर जो पावरफुल है वो है हमारा एडवर्सिटी क्वेश्चन यानी जब हम एडवर्सिटीज के अंदर होते हैं कोविड जैसे टाइम्स में जाते हैं तब हमारा इंटेलिजेंस हमारे इमोशंस और हमारी स्पिरिचुअल पावर तीनों सिंक्रनी में काम करते हुए हम उस एडवर्सिटी को कैसे डील कर पाते हैं ये डिटर्मिन करता है हमारी अपनी मनोस्थिति के द्वारा आपके मन के द्वारा आपके मन की शक्ति के द्वारा तो दोस्तों शक्ति किसी और के पास नहीं किसके पास है आपके पास है यू हैव दावर एक एक व्यक्ति जो यहां पर है इन वो वो क्या करता है उसके अंदर इतनी शक्ति है वो अपनी जिंदगी को निर्णायक कर बना सकता है उसको एक नव निर्माण कर सकता है तो कभी भी पैसिमिस्टिक मत रहिए आशावादी रहिए पैसिमिज्म इज सिनोनिमस विद वीकनेस एंड ऑप्टिमिज्म इज सिनोनिमस विद पावर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो चलिए केवल दो मिनट के लिए हम सब अपने अंदर सकारात्मक विचार लाते हुए अपने आप को शक्तिशाली महसूस ओम शांति तो चीज बहुत स्पष्ट होती है कि हमारे विचारों का हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है तीसरा प्रश्न जो आज हमारे सामने आता है पूछेंगे कि मेरे हेल्दी शरीर पर तो असर पड़ता है लेकिन बीमारियों के दौरान क्या मेरे विचार मुझे हील कर सकते हैं मुझे दर्द रहता है मुझे जोड़ों का दर्द रहता है मुझे ये बीमारी रहती है मुझे गैस्ट्रिक रहता है मुझे अलग अलग प्रकार की बीमारी है दोस्तों आज इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे

आप लोगों को अंदर लिया टेबल पर लेटाया बेहोश किया बेहोश करके आपके नी को खोला नी को खोलकर आपके नी को बिना टच किए बिना टच किए केवल पौना घंटा लगाकर दिखाया कि एज सर्जरी कर रहे हैं सब लोगों को बाहर टेलीकास्ट किया कि एज सर्जरी कर रहे हैं लेकिन बिना टच किए आपके नी को वैसा बंद किया और बंद करके बाहर आपको वापस भेज दिया लेकिन आपको यह बताया कि आपकी सर्जरी हो गई है आपको क्या किया आपको बुलाया अंदर बुलाकर आपके नी को खोला आपकी प्रॉपर सर्जरी की आपके नी को क्लोज किया आपको भी बाहर भेजा और छुट्टी कर दी छह महीने बाद उन्होंने दोनों ग्रुप्स के अंदर देखा कि कितना इंप्रूवमेंट पेन का दर्द का हो रहा है है ना आप लोगों की सर्जरी हुई थी आप लोगों की नहीं हुई थी लेकिन दोनों ग्रुप्स को क्या मालूम था कि हमारी सर्जरी हो गई है इंप्रूवमेंट किस में ज्यादा होना चाहिए था इंप्रूवमेंट इनमें ज्यादा होना चाहिए था दोस्तों लेकिन जब उन्होंने इस साइंटिफिक स्टडी को एनालाइज किया तो दोनों ग्रुप्स के अंदर सिमिलर इंप्रूवमेंट पाया गया ऐसा कैसे हो सकता है आप लोगों की तो एक्चुअल सर्जरी हुई थी लेकिन आप लोगों के मन ने ये स्वीकार लिया आप लोगों के मन ने ये मान लिया कि नाउ आई एम फाइन मैं बिल्कुल ठीक हूं शरीर बीमार होते हुए भी सब कुछ वैसा होते हुए भी मन के संकल्पों के द्वारा एनर्जी ऐसी बॉडी के अंदर गई कि वो जोड़ों का दर्द भी ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी महसूसता कम होती चली गई इसको कहा जाता है प्लसीबो हमारे जीवन में क्रिएट करते हैं और जब हम नेगेटिव लाते हैं मैं तो बीमार हूं मुझे तो होएगा ही नहीं ये ठीक हो नहीं सकता हूं मेरे को तो ये दर्द हमेशा रहता है मेरे साथ ये क्रॉनिकली एसोसिएटेड है तो वो दर्द आपके शरीर के साथ हमेशा जुड़ जाता है इसीलिए कभी भी अपने आप को यह मत कहिए कि मुझे तो यह है ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है नहीं आप हमेशा अपने आप को कहिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं बीमारी के लिए नॉन एक्सेप्टेंस लेकर आइए उसके लिए नॉन एक्सेप्टेंस लेकर आइए तो यह शो करता है कि हमारे विचार बीमारी में हमारे ऊपर असर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते तो देखो आपके विचार आपके जीव पर भी असर डाल रहे हैं आपके विचार आपकी बॉडी पर भी असर डाल रहे हैं और आपके विचार बीमारी में भी आपके ऊपर असर डाल रहे हैं पर दोस्तों सीरियस बीमारी का क्या सीरियस बीमारी जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं जैसी बीमारियां है, उनका क्या देखिए ये जेंटलमैन जो है इनका नाम है स्टोमैटिस मोराटिस ये अमेरिकन वॉर अमेरिकन आर्मी के वॉर वेटरन थे 1976 में जब ये रिटायर हुए इनको टर्मिनल प्रोस्टेट लंग कैंसर से डायग्नोस किया गया टर्मिनल लंग कैंसर और इनको कहा गया कि आपके पास मैक्सिमम तीन महीने की लाइफ है मैक्सिमम तीन महीने बायपसी प्रोवन कैंसर था तो इन्होंने कहा यार अब मरना तो है ही तो मैं अमेरिका में क्यों मरूं वहां पे दफनाने के 200 डॉलर लगेंगे मैं क्यों नहीं अपने देश ग्रीस में जाता हूं इकारिया में जहां केवल 20 डॉलर में मेरा काम हो जाएगा अपने परिवार और बच्चों से भी मिल लूंगा अंतिम समय भी अच्छा गुजारूंगा दोस्तों वहां गए वहां जाकर इन्होंने वेजिटेरियन डाइट खानी चालू करी आराम से नेचर के अंदर रहते थे फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते थे फैमिली के साथ रहते थे विनयार्ड्स प्लांट किए दोस्तों एक दो तीन छः महीने साल दो पाँच साल छः साल बढ़ते चले गए इनको विचार आता था यार मुझे तो मरना है आई एम गेटिंग बेटर ये कैसे हो सकता है कि मैं बेटर हो रहा हूँ दोस्तों दस साल निकल गए दस साल में इनकी हेल्थ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर गई इनका मन बहुत बेचैन ये जनाब वापस उड़कर गए अमेरिका में अपने उन डॉक्टर से मिलने के लिए जिन्होंने इनको लंग कैंसर डायग्नोज किया था और दोस्तों जिन लोगों ने इनको लंग कैंसर डॉक्टर्स ने जिन डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया था वो ऑलरेडी उस टाइम तक सब मर चुके थे ऑलरेडी देवर डेट एट टाइम ये जनाब वहां से मिल मिलाकर वापस अपने देश आए कार्य में और ये 102 साल तक जी 102 साल इस व्यक्ति को कहा जाता है द मैन हु ऑलमोस्ट फॉर गॉट टू डाई जो भूल ही गया कि मुझे मरना भी है और दोस्तों जिस जगह पर ये रहते हैं जिस जगह पर ये रहते हैं सब एक्चुअल है जिस जगह पर ये रहते हैं उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉर गेट टू डाई इस जगह का नाम है इकारिया ग्रीस के अंदर ये देखिए इनकी तनिक दाढ़िया देखिए कैसी सफेद सफेद दाड़ियां नाइनटी फाइव इन नाइनटी ईयर एवरेज एज है इनकी कनेक्टेड है इंजॉय करते हैं लेकिन दोस्तों नेचुरल लाइफ स्टाइल है नेचुरल लाइफ स्टाइल दोस्तों इन जोन को कहा जाता है ब्लू जोन और इनके अंदर कॉमन क्या है एक्टिव लाइफ स्टाइल प्लांट बेस्ड डाइट गुड स्लीप नेचुरल कनेक्ट पॉजिटिव लाइफस्टाइल दोस्तों ये कॉमन फैक्टर्स हैं ऐसे पांच ब्लू ज़ोन्स अर्थ के अंदर दोस्तों दिखाए गए तो आज ये शो करता है कि आप जब अपने लाइफस्टाइल अपनी दिनचर्या अपने सोच को परिवर्तित करते हैं दोस्तों तो वो आपकी सीरियस बीमारियों में भी दोस्तों बहुत बहुत मदद करता है इसी प्रकार दोस्तों एक घटना हमारे साथ भी हुई 2003 20 मार्च की बात है मैं ऑपरेट करके शाम को घर पर आया था साढ़े पांच बजे का समय था थोड़ी थकावट थी एक अनयूजल सा फटीक था फीलिंग भी अजीब सी थी साढ़े सात बजे मदर ने मुझे पराठा दिया आलू का खाने को मेरा मन नहीं करा और आठ बजे उन्होंने मेरे हाथ में मुझे आइसक्रीम दी और मैंने हाथ में आइसक्रीम ली एंड सडनली माई हैंड स्टार्टेड वेवरिंग एंड आई कोलेब्ब्स ऑन दी फ्लोर मुझे सिवियर सीजर्स हुए दोस्तों मुझे अल्टीमेटली हॉस्पिटल रश किया गया उसी रात को इन अ सेमी कॉन्शियस स्टेज और मैंने जब अपने आप को हॉस्पिटल में पाया मेरे ब्रेन के स्कैंस जब हुए

जब हिप्स बिल्कुल प्रैक्टिकली समाप्त हो गए बहुत दर्द होता था तो डेली हाथ पर एक इंजेक्शन मुझे यहां पर लगता था उस समय पर मेरी हियरिंग भी मेजर लॉस हुई और जो आज भी मुझे डिवाइसेस पहनने पड़ते हैं दर्द हुआ लेकिन दोस्तों मैंने कभी भी जीवन में दुख का सामना नहीं किया दर्द रोज होता था लेकिन दुख और कष्ट की अनुभूति मैंने अपने आप को नहीं होने दी अल्टीमेटली 2002 से ये तीन से ये और चालू होती हुई दोस्तों 20 जून 2005 में मेरे ब्रेन की एक मेजर सर्जरी हुई ब्रेन की मेजर सर्जरी हुई और ये ब्रेन का मास निकाल दिया गया मेरे को लगा कि अब मैं बिल्कुल हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट यह ऑपरेबल भी नहीं था वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे सारी टेबलेट्स में रेगुलरली खा रहा लेकिन मुझे लगा कि आप कुछ नया करना पड़ेगा और मुझे अभी भी ध्यान है कि दादी गुलजार जो हमारे ब्रह्मा कुमारी की को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी सेकंड को एडमिनिस्ट्रेटर थी उनके पास में गया, बहुत स्नेह था उनसे उन्होंने प्यार से बिठाया उन्होंने कहा मोहित तो मेडिटेशन का उपयोग क्यों नहीं करते हो अपने ऊपर आप इमेजिन करिए एक स्पिरिचुअलिस्ट एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल पर्सन को ये बोल रहा है एक कार्डियोलॉजिस्ट को

दवाइयां तो खा रहा था लेकिन एक साल बाद क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूं जनवरी 2006 में ये था अप्रैल 2007 में दोस्तों जब मेरे एमआरआई रिपीट हुआ आप देखिए मेरे ब्रेन से कंप्लीटली कंप्लीटली तो दोस्तों ये शो करता है कि जब हम अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को पावर को लॉजिकली साइंटिफिकली अपने ऊपर यूज करते हैं हम अपने लिए मिराकल्स को क्रिएट कर सकते हैं ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ही कर सकता है दो ही कर सकते हैं बीस साल के अभ्यास के बाद आएगा नहीं ये अभ्यास बीस साल के बाद नहीं ये आपके बिलीफ सिस्टम के बाद आता है आपकी मान्यताओं के बाद आता है जब आप मान लेते हैं कि मैं कर सकता हूं तब ये लाइफ में ऑटोमेटिकली दोस्तों होने लगता है ऑर्केस्ट्रा की तरह है जब फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा की तरह आप अपने मन के सिग्नल के द्वारा विचार के द्वारा एक सिग्नल शरीर को देते हैं हील योर सेल्फ शरीर के सारे 50 ट्रिलियन सेल्स दे स्टार्ट वर्किंग इन हार्मनी एंड सिंक्रनी अदर, और वो कंप्लीटली हीलिंग एनर्जी जनरेट करते हैं दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन ये मेडिटेशन पावर केवल ऐसा ही नहीं कि हम अगेन मैं आपको बताता हूँ कि बस हम याद करें और हम केवल ये सोचते रहें नहीं इस याद के द्वारा हम प्रैक्टिकल बेनिफिट्स कैसे डिराइव करें दिस इज वॉट राजयोग मेडिटेशन इज ऑल अबाउट दोस्तों इसी प्रकार अगर हम आगे देखें कि क्या ये विचार मेरे संबंधों पर भी असर डाल सकते हैं कैन दीज थॉट ऑल्सो अफेक्ट माई रिलेशन द आंसर इज यस आप देखिए आज एक परिवार के अंदर आपसी संबंधों के अंदर अगर हमारा रिलेशन बनता है तो वो किसके द्वारा बनता है वो शब्दों के द्वारा नहीं बनता दोस्तों शब्दों के अंदर झूठ और चापलूसी की चाशनी घोलकर तो हम किसी को भी पिलाते सकते हैं और पिलाते भी रहते हैं हम लोग है ना लेकिन शब्दों के अंदर जब दिल की सच्ची मिठास घोलकर हम किसी को पिलाते हैं वो हमारे संबंधों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाते हैं उसको प्यार से परिपूर्ण बनाते हैं दोस्तों आज परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग का जो कारण है वो केवल एक कारण है कि लोगों की बातों को अपने मन में संभाल कर रखना उसने मुझे ऐसा कहा उसकी मुझे ये बात ठीक नहीं लगी होता है सबके साथ नहीं होता हाँ होता है या नहीं होता बताइए सभी लोग सच सच बताइए यस और नो सभी के साथ होता है ना सभी के साथ होता है कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ हाँ कोई भी एक व्यक्ति जो करेजिया से खड़ा हो जाओ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कौन खड़ा होंगे अच्छा आप बताएंगे चलिए बहुत बढ़िया बताइए आप बताइए आप भी बताइए आप सब लोग सोचिए एक सिचुएशन क्रिएट करिए यदि आपके लिए किसी व्यक्ति ने आज से बीस साल पहले बहुत बुरा किया हो 20 साल पहले बहुत बुरा किया हो 10 साल पहले किया हो 5 साल पहले किया हो या 5 महीने पहले किया हो या 5 दिन पहले किया हो और सडनली वो व्यक्ति आज आपके सामने दोबारा आ जाता है है ना सडनली वो व्यक्ति दोबारा आ जाता है इतने दिनों तक आपको मिला नहीं आपको बहुत कष्ट दिया हो तो उसके प्रति हमारे मन में से कैसी भावना निकलती है गुस्सा निकलता है नहीं निकलता निकलता है ना किस किस के मन में निकलता है हाथ उठाओ सभी के मन में निकलता है गुस्सा निकलना भी चाहिए ना निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए अगर किसी ने हाँ बिल्कुल निकलना चाहिए भाई जी कह रहे निकलना चाहिए <coughs> अगर किसी ने आपका नुकसान पहुंचाया हो और आज वो आपके सामने आ जाए तो उसे बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए नहीं मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए अगर मैं हूं तो मैं तो दस साल का इंटरेस्ट लगा के बदला लूंगा लेना चाहिए क्यों क्या दिक्कत है उसने नुकसान पहुंचाया है मुझे हर्ट क्रिएट किया है तो बदला लेंगे या नहीं लेंगे लेंगे या नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे भाई इतना नुकसान पहुंचाया वह क्यों आपने मन में आपने देखो कितना भारी रख के रखा है उसको निकालना तो पड़ेगा वरना ये इकट्ठा होता चला जाएगा हाँ नहीं रखना चाहिए हाँ दोस्तों एक बात बताओ एक एक्सरसाइज करेंगे सब लोग मेरे साथ सब लोग करेंगे एक एक्सरसाइज हाथ उठाइए सब लोग करेंगे तो वीडियो निकालो इन सबका पीछे निकाल लो वीडियो ताकि ये पाकि मुकरे ना बिल्कुल हाँ चलो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है सिंपल एक्सरसाइज केवल चार दिन के लिए हम लोग करेंगे यहां से जब हम जाएंगे हम रोज जाकर घर में घर <coughs> का कूड़ा बाथरूम का कूड़ा किचन का कूड़ा ड्राॅंग रूम का कूड़ा सबको हम पांच दिन के लिए इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके ड्राइंग रूम में डेकोरेट पांच दिन के लिए करेंगे तैयार सभी लोग हाँ तैयार है नहीं येस और नो अच्छा क्यों नहीं करेंगे बताओ क्यों नहीं करेंगे भैया क्या होगा नहीं झगड़ा तो बाद में होगा लेकिन और क्या नुकसान हो जाएगा बदबू आएगी किसको आएगी बदबू अनहाइजेनिक होगा तो घर की सफाई रोज होनी चाहिए कभी कभी होनी चाहिए रोज होनी चाहिए कौन कौन कहता है रोज होनी चाहिए हाथ उठाओ अच्छा घर की सफाई रोज होनी चाहिए और मन की सफाई हम बीस बीस साल नहीं करें रहे ये कहा की साइंस हुई हाँ ये तो समझ में नहीं आया बिल्कुल ना एक व्यक्ति की एक बात हमने अपने मन में रख ली अब एक व्यक्ति की एक बात मैंने अपने मन में रखी कुछ भी हो जाए मेरे पास कई लोग आते हैं सर कुछ भी हो जाए इसको तो मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगा तो मैं कहता हूं तुम शमशान घाट तक लेके जाओगे कहता हाँ मैं वहां तक लेके जाऊंगा मैंने कहा धन्य हो प्रभु कमाल है ये भी एक व्यक्ति की एक बात एक दिन मन में दो दिन दो बातें तीन सौ पैंसठ दिन तीन सौ पैंसठ बातें एक दिन में दस लोग मिले तीन हजार छह सौ पचास बातें और दस साल छत्तीस हजार बातें मन मन रहेगा या मन कूड़ेदान बन जाएगा बताओ कूड़ेदान बन जाएगा दोस्तों यही तो परमात्मा कहता है राजयोग मेडिटेशन में कहता है मन की सफाई करो क्लीन योर माइंड आज के बाद रोज उठकर अपने मन की सफाई रात को सोने से पहले हम सबको करनी है कौन कौन करेगा बताओ हु? कहते ना जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया आराम से रिलैक्स होकर अगर मेरी गलती है तो सॉरी बोल दो अगर किसी और की गलती है तो उसे सॉरी कर दो माफ कर दो ऐसा नहीं कहना देख मैंने तुझे माफ कर दिया प्यार से आराम से एक्सेप्ट करते हुए उसको क्षमा कर दो। दोस्तों जब इस प्रकार का हमारा जीवन चलेगा तो हमारे संबंध कितने श्रेष्ठ और पावरफुल बन जाएंगे आज देखो अपने जीवन में इन चार भावनाओं में से क्या रखना चाहोगे संबंधों में प्यार या क्रोध खुद सोचो संबंधों में एक दूसरे के लिए नफरत रखेंगे या कंपैशन रखेंगे संबंधों में कंप्लेन सिस्टर साढ़े बारह बजे तक का टाइम था ना ट्वेल्व थर्टी ट्वेल्व थर्टी आई एल ऑफ डोंट पर 12, 12. संबंधों में कंप्लेंट या एप्रिसिएशन या संबंधों में एक्सपेक्टेशंस या एक्सेप्टेंस क्या चीज हम रखना चाहेंगे आप स्वयं सोचिए तो आज, आज तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इन भावनाओं को अपने जीवन में दोस्तों जरूर रखें इसी प्रकार आज हमारे जीवन के अंदर हमारे मन हमारा जो संकल्प है वो हमारे जीवन में पानी के ऊपर हमारे भोजन के ऊपर सबके ऊपर पावरफुल असर दोस्तों करते हैं सबके ऊपर आज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है लेकिन आज जो मैं अंत में आपको जरूर दिखाना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर के ऊपर प्लांट्स के ऊपर आप देखो कि हाउ थॉट्स आर आल्सो अफेक्टिंग नेचर इट इज सो मच इंपॉर्टेंट लेकिन आज मेडिटेशन की शक्ति जो है वो हमारे संकल्प हमारे ब्रेन को कंप्लीटली दोस्तों रिप्रोग्राम कर देती है और कैसे करती है आप देखो आज मेडिटेशन के द्वारा जब हम अपने मन को चार्ज करते हैं जिस तरह मोबाइल को चार्ज करते हैं उसी प्रकार जब हम मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को चार्ज करते हैं दोस्तों तो ये मेडिटेशन हमारे संकल्पों को संपूर्ण रूप से परमात्मा के साथ शक्तिशाली बनकर अलाइन कर देती है किन शक्तियों के द्वारा शांति प्यार खुशी आनंद और पवित्रता ये सातों गुण जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी लाइफ कंप्लीटली शक्तिशाली और पावरफुल बन जाती है और कैसे बन जाती है मेडिटेशन के द्वारा एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन देखिए कंप्लीटली इम्बैंसड है, है. Magneto, इनके की पिक्चर्स को देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन कंप्लीटली है डिप्रेशन और पुअर मेंटल हेल्थ के साथ है लेकिन केवल पंद्रह मिनट की मेडिटेशन के द्वारा हम अपने ब्रेन को रिसिंक्रोनाइज कर सकते हैं लुक एट दिस और 25 मिनट के द्वारा कंप्लीट रिसिंक्रोनाइजेशन हमारे ब्रेन में हो जाता है जो हमको कंप्लीट ब्यूटिफुल मेंटल और इमोशनल हेल्थ देता है दीज आर दी साइंटिफिक एविडेंसेस, दीज़ आर दी साइंटिफिक एविडेंसेस दोस्तों आज अगर हमको अपने जीवन का नया निर्माण करना है तो हमें इमोशनल और रैशनल ब्रेन होलिस्टिक अप्रोच अपनी जिंदगी में दोस्तों रखनी पड़ेगी तो अंत में मैं आपको क्या बताना चाहूंगा केवल यही बोलूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग एक बारी एक महात्मा के पास गए और उन्होंने बोला कि हम अपने जीवन में कब परिवर्तन करें कब परमात्मा को याद करें तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोला कि मरने से एक दिन पहले करना वही बहुत है तो कुछ लोग हंसने लगे उसमें एक व्यक्ति समझदार था मूल बोला महात्मा जी मुझे ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोला कि आज करो क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है तो दोस्तों अगर चेंज करना है तो कब करना है हमको आज करना है आज करना है आज के परिवर्तन के द्वारा ही हम अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं तो अंत में मैं आपको केवल यही बोलूंगा कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है आंसुओं को तो आंखों में भी पना नहीं मिलती केवल खुश रहिए खुशी बांटिए हर व्यक्ति को जीवन में इतना दीजिए कि वो व्यक्ति आपके सामने आते ही आपकी वाइब्रेशंस और आपकी मन की शक्ति के द्वारा शांति की अनुभूति करे हम केवल थर्टी सेकेंड्स मेडिटेशन में बैठेंगे पावरफुल अलर्ट स्थिति में बैठेंगे लाइट म्यूजिक प्ले करेंगे उसके बाद भाई साहब के मुखारविन से भी हम कुछ शब्द सुनेंगे और इस अनुभूति के अंदर अपने आप को इस शक्तिशाली स्थिति में इमर्ज करेंगे कि मैं ये शरीर नहीं मैं शरीर के अंदर शक्तिशाली और बहुत पावरफुल आत्मा हूँ एक पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस चलिए एक यात्रा पर हम लोग चलते हैं सभी चेहरा मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता हुआ अपने आप को इस शरीर के अंदर विद्यमान एक शांत शक्तिशाली खुशी से परिपूर्ण परम पवित्र आत्मा के रूप में देखें मेरा एक एक संकल्प परमात्मिक शक्ति के द्वारा परमात्मा की प्योरिटी की वाइब्रेशंस के द्वारा परमात्मिक स्नेह के द्वारा मुझे आनंद सुकून और सुख की अनुभूति करा रहा है मैं बहुत शक्तिशाली हूं अनुभव करें अपने संकल्पों के द्वारा मैं स्वयं अपना और भविष्य का निर्माण करती हूँ मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है शक्तिशाली है मेरे संकल्प बहुत शांत हैं। इसी स्थिति में रहते हुए अपने संबंधों को भी प्यार शांति और सुख की अनुभूति कराए परमात्मिक सुरक्षा कवच मेरी चु मुझे आनंद की अनुभूति करा रहा है ओम शांति ओम शांति तो एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे तो एक नए जीवन की